आइए आइए विजय साहब, कैसे हैं आप? ब्रिज जी ये प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब ये ब्रिज गोपाल जी हैं। आपके बताए हुलिये के मुताबिक ये उस शख्स का हूबहू चेहरा बना देंगे। इनकी मदद से हमने कई मुजरिम पकड़े हैं। देखिए ब्रिज गोपाल जी, मुझे उस आदमी का चेहरा बखूबी से याद है। चेहरा उसका जरा लंबा सा था और आंखों पर उसने अब तो उसका पूरा हुलिया समझ गए होंगे आप? जी मैं बिल्कुल समझ गया। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप ऐसा कीजिए प्रिंसिपल साहब, आप कल इसी वक्त आ जाइए, मैं आपको तस्वीर दे दूंगा। वाया वाह, बहुत बढ़िया कलाकार हो, क्या फोटो बनाई है भाई। इसे तो मैं अपने दफ्तर के अंदर लगा के रखूंगा। अरे जरूर सेठ जी जरूर, लेकिन इस तस्वीर के साथ एक छोटी सी कहानी जुड़ी है। कहानी? भाई सुनने का टाइम तो नहीं है, लेकिन कहानी सुनने का मुझे बचपन से ही शौक है। सुनाओ। कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक ट्रक वाले ने स्कूल के बच्चों को कुचल डाला था। हाँ भैया पढ़ा तो था, क्या वो दरिंदा पकड़ा गया? नहीं अभी तक नहीं, मगर उस दरिंदे की एक झलक एक आदमी ने देखी थी और उसी के हुलिया बयान करने पर मैंने ये तस्वीर बनाई है। शुभ शुभ बोलो भाया, ये तुम क्या कह रहे हो? शुभ शुभ ही हो, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ सेठ जी। देखो भाया, मैं दिल का कमजोर आदमी हूँ, अगर ऐसा कुछ हो गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ 5 लाख रुपया दे दें तो मैं आपके फोटो के नए नक्श ऐसे बदल दूंगा कि वो आपकी फोटो लगेगी ही नहीं। अरे वो फोटो वाले, तू मन्ने को ब्लैकमेल करना चाहता है? बिल्कुल नहीं सेठ जी, लेकिन आपके ऊपर जो मुसीबत मंडरा रही है ना, उसको हटाने की कीमत चाहता हूँ। देखो भाया, तुम भी अच्छे आदमी हो, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। लेकिन इससे पहले के नमस्कार सेठ जी, मैं लोक सेवा के लिए निकला था, सोचा आपसे ही शुरुआत करूं। आपकी तारीफ। ये मारे दोस्त हैं, आप ही की तरह समाज सेवक हैं। अच्छा अच्छा नमस्कार। देखो दोस्त, तुम्हारा काम कल हो जाएगा, लेकिन विरोधी पार्टी में किसी को बताना मत। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हैं सेठ जी, धन्यवाद जी, नमस्ते जी। नमस्कार। बहुत भले आदमी है, चंदा मांगने आए थे, मैंने कहा कि कल तुम्हारा काम कर ही दूंगा। हमें बहुत पैसा चाहिए, जल्दी अमीर बनना है। पेंटर साहब, आजकल पेंटिंग छोड़कर ब्लैक मेलिंग का धंधा शुरू कर दिया है क्या? जल्दी बंगला बनाने का इरादा है क्या? अरे नहीं जी, मैंने तो कुछ हेलो पुलिस, दरवाजा खोलिए। चोर, मैं कहता हूं दरवाजा खोलिए। खबरदार जो आगे बढ़ा। ए! कम ऑन फास्ट। और इंस्पेक्टर साहब, वो गुंडे यहीं से भाग कर गए, उनके हाथ में तलवारें भी थी। चलो चलो। ब्रिज गोपाल की मौत के पीछे जरूर उस गुंडे का हाथ होगा जिसका आपने हुलिया बताया था। मगर उस गुंडे को पता कैसे चला कि मैंने इसे? प्रिंसिपल साहब,
बदमाशों की दो नहीं चार आंखें होती हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर उस खूनी को आपके सामने लाया जाए तो क्या आप उसे पहचान सकेंगे? हजारों में भी खड़ा कर दिया जाए तो मैं इन गुंडों को पहचान जाऊंगा। आज सुबह सुबह तैयार होकर कहां जा रहे हैं? बेटी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, कुछ लोगों की शिनाख्त करनी है। हेलो, प्रिंसिपल खन्ना का घर है ये? जी हाँ, आप कौन? प्रिंसिपल खन्ना को फोन दो। किसका फोन है बेटी? आपसे कोई बात करना चाहता है। मुझसे? हेलो, गौर से सुनो प्रिंसिपल, अगर तुमने पुलिस स्टेशन में तस्वीर बनाने वाले के कातिल को पहचानने की जरूरत की तो याद रखो तुम्हारी लाश को कोई नहीं पहचान पाएगा। क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम? बर्बादी जो तुम से शुरू होकर उस लड़की तक पहुंच जाएगी जिसने अभी अभी मेरे साथ फोन पर बात की है। बस अपने पर काबू रखिए, कहीं नहीं जाएगा वो। धमकी दी है मुझे, भाग जाएगा वो। बस ले जाओ इसको अंदर। जिंदगी में थोड़ा सा फासला रह गया है प्रिंसिपल, अब भी अपना बयान बदल दे, पुलिस के हाथ लगने वाली उस सीढ़ी को काट दे जिसके जरिए वह मुझ तक पहुंच सकती है। इंकार किया तो बहुत खौफनाक मंजर देखना पड़ेगा तुझे। उन मासूम बच्चों की मौत से ज्यादा खौफनाक मंजर और क्या हो सकता है दरिंदे? मेरे इरादों की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं जो तेरे थप्पड़ों और धमकियों से डगमगा जाए। मैं मर सकता हूं, कट सकता हूं, कत्ल हो सकता हूं, लेकिन अपना बयान नहीं बदल सकता। और याद रख, जब तक मैं तुझे तेरे जुल्मों की सजा नहीं दिला देता तेरी और मेरी ये जंग जारी रहेगी। जंग में तो फिर सब कुछ जायज है प्रिंसिपल, मौत भी और जिल्लत भी। अगर तू चाहता है कि ये दोनों चीजें तेरे हिस्से में ना आए तो अब भी तुझे मौका देता हूं, अपना बयान बदल दे। आंखों से जो कुछ देखा था उसे अपनी कमजोर नजर का बहाना बनाकर गलत साबित कर दे। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। जहां इतनी जाने चली गई है ये दो और चली जाए तो कोई परवाह नहीं। तो जुल्म बढ़ाता जा, हम सब्र बढ़ा लेंगे, मिट जाएंगे हम, लेकिन तुझको भी मिटा देंगे। फिर भी जीत नहीं पाएगा, हम तुझको हरा देंगे। अब देख तमाशा। फरियाद न कर बेटी, उन माओं को देख जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे इस हत्यारे ने मार डाले हैं। चला गोली, जालिम चला गोली। सुन लिया, हमारे हौसलों का सर कट तो सकता है लेकिन तेरे आगे झुक नहीं सकता। अरे औरत पर हथियार उठाने वाले कायर,
मर्द है तो मेरे सीने पर गोली चला। नहीं नहीं प्रिंसिपल नहीं, अगर तुम मर गए तो बयान कौन बदलेगा? मैं तीन तक गिनूंगा। अगर तुमने बयान बदलने की रजामंदी नहीं दी तो इस बार गोली तुम्हारी बहन के बाजू पर नहीं सीधी दिल पर लगेगी। एक, दो, तीन। लड़की जवानी की पहली सीढ़ी पर खड़ी है, इसे जवानी की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा दो। प्रिंसिपल साहब, कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? प्रिंसिपल साहब, आप ठीक है ना? आप